हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली अध्याय में देखा कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से वहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और वहां एक सत्ता, एक नियम, एक कानून वहां पर लागू किया गया था। फिर यहाँ देखेंगे 18वीं शताब्दी में यूरोप के नक्शे में देखें तो वैसे वहां पर आप लोग बुक में नक्शा भी देखेंगे तो इसमें राष्ट्र के उदय जो है राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में इनको जानते हैं। और राजशाहियों के, डचियों को और कैंटनों के शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे जो कि यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, वे अपने आप में ही सामूहिक पहचान, सामूहिक संस्कृति और भागीदार नहीं मानते थे। मतलब कई तरह के लोग रहते थे, जैसे कि हमारे यहाँ देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, सब अपनी तो वे किसी भी समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे, क्योंकि वे सारे अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जाति समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हेब्सबर्ग सामान्य वर्ग के कई अलग अलग क्षेत्रों में जनसमूह को जोड़कर बनाया गया था। उसी तरह से एल्प्स के टिरोल ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों में साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। इस तरह से हम देखेंगे अनेक वर्ग के लोग, अनेक समूह के लोग, अनेक संस्कृति के लोग वहां पर रहते थे। जहाँ कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे, वहीं पर हेब्सबर्ग में समान लामंडी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा वाले प्रांत थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बाकी लोग भी विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। और गलेशिया के कुलीन वर्ग में पॉलिश भाषा बोला जाता था। प्रभावशाली समूह के अलावा हेब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग भी उनकी अधीन व्यवस्था में थे। इस तरह से देखते थे हम देखेंगे कि यहाँ पर कई चीजें जो थी राजनीतिक यहाँ पर बढ़ावा क्या मतलब फर्क में राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि विभिन्न तरह के लोग रहते थे, विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे, विभिन्न भाषाई संस्कृति वाले लोग रहते थे, इसलिए राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला यह नहीं था। यहाँ पर केवल सम्राट के प्रति सक्की निष्ठा मतलब पक्की निष्ठा भी नहीं थी। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप में हम देखेंगे तो सामाजिक और राजनीतिक रूप में जब देखेंगे तो जमीन और मालिक कुलीन वर्ग में यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसमें कि हम देखेंगे क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार ये व्याप्त जो क्षेत्रीय विभाजन थे उनके आर पार थी। ग्रामीण इलाकों में जो जायदाद थे शहरी हवेलियों के मालिक थे और राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार जो थे अक्सर वैवाहिक बंधनों के आपस में जुड़े हुए होते थे और शक्तिशाली कुलीन वर्ग की संख्या के लिहाज में एक छोटा समूह था जो जनसंख्या के अधीन लोग कृषक थे। कौन थे वो जो जिनका छोटा समूह था वह कृषक लोग थे। यहाँ पर ज्यादातर जमीन जो है वह किराए पर या छोटे काश्तकार खेती करने वाले लोग करते थे। विशाल भूमि की जो जगीरें थी वह बटी हुई थी और भूदास खेती करते थे। भूदास कौन कहलाएगा? जिनके पास जमीन नहीं है वह क्या करेगा, किराए से खेती करेगा या फिर जो बड़े जागीरदार हैं उनके यहाँ वह रहकर खेती करेगा, इसलिए से वह भूदास करते खेती करते थे। फिर पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पाद व्यापार वृद्धि में शहरों का विकास भी हुआ और साथ ही साथ वाणिज्यिक वर्गों का भी उदय हुआ। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा तो स्वाभाविक है शहर का विकास भी होगा, आवश्यकता अनुसार हम विकास करते चले जाएंगे। वाणिज्यिक मतलब व्यापार क्षेत्र में भी विकास हुआ, क्योंकि जो चीज उत्पादन होगा उसे हमें बाजार में ले जाकर उसे बेचने के लिए ले जाना ही होगा, इस तरह से व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। फिर इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। इंग्लैंड में पहला जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वह इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी में भी राज्य में कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। यहाँ पर सामाजिक समूहों के अस्तित्व में आए श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, उद्योगपति, व्यापारी, जैसे यहाँ देखिए श्रमिक हैं और मध्यम वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, सेवा के क्षेत्र हैं, ऐसे लोग बने। मतलब जो भी हम उद्योग की स्थापना करेंगे वहां पर उद्योगपति हो गया, मध्यम वर्ग होगा, श्रमिक वर्ग होगा, श्रमिक वर्ग के बना
यहाँ पर उद्योग पर सेवा क्षेत्र ऐसे लोग बने। सेवा क्षेत्र में कौन आया? जो वहां पर कार्य करते थे, जो सेवा देते थे, उसके बदले में उन्हें वेतन मिलता था। इस तरह से यूरोप में जो कई जो 19वीं सदी में अंतिम दशकों में एक छोटा सा था जिसमें कुलीन विशेषाधिकारी की समाप्ति हुई और बाद में शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच जो है राष्ट्रीय एकता जो थी, राष्ट्रीय एकता का क्या हुआ, विचार जो है लोकप्रिय हुआ यहाँ, क्योंकि सामंजस्य बनाकर लोगों ने देश के विकास में अपने सहयोग दिया। फिर देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, मतलब उदारवादी राष्ट्र क्या है। यहाँ पर 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे, और उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म शब्द मतलब लातिन भाषा के मूल रूप लेबर से आधारित था। इसका अर्थ था आजाद, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था आजादी और कानून के समक्ष सबको बराबरी, मतलब हम आजाद भी हैं और सबके साथ जो कानून बनाए गए हैं वह सबके लिए एक समान बनाए गए। फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद लघु शासन और पादरी वर्ग की विशेषाधिकार समाप्ति हुई। फिर संविधान, संसदीय प्रतिनिधि, सरकार के पक्षकार, ये सारे जो हैं उस समय ये सब सामने आए। फिर उदारवादी निजी संपत्ति स्वामित्व के अनिवार्यता के बल पर देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी जो थे फ्रांस के उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यह क्या था? प्रजा पहला राजनीतिक प्रयोग था जिसमें मत देने का अधिकार था, चुने जाने का अधिकार था, केवल संपत्तिवान पुरुष को ही हासिल था। मतलब यह कौन कर सकता था? सिर्फ जो जमींदार है या फिर पैसे वाला व्यक्ति है वही ये चुनाव लड़ सकता था, और उसको ही चुने जाने का और संपत्तिवान पुरुष को ही था। केवल ये थोड़े समय के लिए जैकोबिन के शासन के समय में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार प्राप्त था। नेपोलियन की संहिता में पुनः ये मताधिकार को वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। यहाँ पर महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की भी मांग करते हुए विरोध पर कई आंदोलन चलाए गए थे ताकि उनको भी समान अधिकार प्राप्त हो सके। फिर आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद जो था वह बाजारों की मुक्ति और उसके साथ साथ चीजों की पूंजी की आवागमन के द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था, ताकि 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि 19वीं सदी में पहले भाषा के जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। फिर नेपोलियन में प्रशासनिक कदमों के अनगिनत छोटे प्रदेशों को जिसमें 29 राज्यों को एक महासंघ बनाया गया था, अपनी मुद्रा और नापतौल प्रणाली भी उस समय लागू की गई थी। एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था जो हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क उसको देना पड़ता था। इसलिए शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे जिससे नापतौल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े नापने के पैमाने ऐसे में इली था जो कि लंबाई की जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। फिर एक एल कपड़ा जो फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था वह 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, और जबकि मेंस जो था वह 55.1 सेंटीमीटर मिलता था। इस तरह से कपड़ों की लंबाइयों में भी क्या होता था, अंतर पाया जाता था। फिर नए वाणिज्यिक वर्ग जो था ऐसी परिस्थितियों को अधिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया जिससे कि वहां पर वस्तुओं, लोग और पूंजी के आवागमन में बाधा रहित हो सके। मतलब यदि हमें व्यापार करना है जहाँ टोल नाके हैं, यहाँ पर शुल्क दिया जाता है, सीमा शुल्क दिया जाता है, उसमें कम से कम बाधा हो और अधिक से अधिक व्यापार हम कर सकें। 1834 में यह पहल एक शुल्क एक संघ जलवाइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे, जिससे शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था। फिर मुद्राओं की संख्या दो कर जो था उसे पहले से 30 से ऊपर थी। उसके अलावा रेलवे जाल गतिशीलता से बढ़ाई गई जिससे राष्ट्रीय एकीकरण में यह सहायक सिद्ध हुआ, और उस समय 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 पर व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं का भी विकास हुआ।
यहाँ पर जब वियना सम्मेलन हुआ था या वियना संधि हुई थी, इससे भी तैयार किया गया, जिस उद्देश्य क्या था, इसमें बहुत सारे बदलावों को खत्म करना था ताकि हम देश का विकास कर सकें और रूढ़िवादी को कम कर सकें। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बों वंश की सत्ता में भी बहाल किया गया था, जिसमें फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा उन्होंने नेपोलियन के अधीन किया था, और फ्रांस की कई सीमाओं पर भी कई राज्य कायम कर दिए थे जिससे भविष्य में फ्रांस के विस्तार ना कर सके। अतः है क्या करे, उसमें नीदरलैंड राज्य भी स्थापित किया गया था जिससे कि वह अधिक से अधिक वह विस्तार ना कर सके। फिर इसी तरह से पीडमॉन्ट में भी जेनेवा को जोड़ दिया गया, पश्चिमी सीमाओं के महत्वपूर्ण नए इलाकों इलाके बनाए गए जिसमें ऑस्ट्रिया उत्तरी इटली में नियंत्रण में सौंपा गया। इस तरह से नेपोलियन ने 29 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, और पूर्व में पोलैंड को एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशासन सेक्शनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की बहाली तथा नेपोलियन बर्खास्त कर दिया गया, और साथ ही साथ नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य भी था। फिर इसके बाद 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो थी वह कैसी थी, निरंकुश थी। ये सब आलोचना असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। मतलब कई ऐसे वर्ग थे जो निम्न वर्ग था या कृषक वर्ग था या मजदूर वर्ग था, उनको दबाने के लिए कोशिश की जाती थी, उन लोग भी इस तरह के कई कानूनों पर वह सवाल उठाती थी। इस तरह से ज्यादातर सरकारी जो सेंसरशिप के नियम बनाए जिसका उद्देश्य था अखबारों किताबों नाटकों गीतों व्यक्त बातों पर नियंत्रण लगाना ताकि वह किसी तरह से उनकी बुराइयां ना लिख सके, ना व्यक्त कर सके, ना बोल सके। इस तरह से लिखित में कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ कहानी के रूप में हमें प्राप्त होती हैं लेकिन लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं होती हैं। फिर क्रांति से जुड़े हुए स्वतंत्रता मुक्ति के विचार झलकते थे, और साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति जो थी स्मृति जो थी वह उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी, और इससे राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। प्रेस की आजादी क्यों, ताकि हम अपने शब्दों को अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक उसमें रख सकें और अपनी आवाज उठा सकें। इसके बाद देखेंगे क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कौन होते हैं, जो अपनी बातियों को बातों को जिस रूप में या हर बात को हम अपनी भावनाओं को सामने रखते हैं। 1815 के बाद वसु दमन के भय अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों का भूमिगत कर दिया गया था जिसमें कि सारे यूरोपीय राज्यों क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने लगे थे। इसका मतलब यह था कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जिससे विभिन्न कांग्रेस में के बाद स्थापित की गई थी। ऐसे ही वह व्यक्ति था जैसे इटली और क्रांतिकारियों को उसका जन्म कब हुआ था 1807 में जिनेवा में हुआ था, और वह कारोबारी गुप्त संगठन के सदस्य बन गया था जिससे कि क्या हुआ कि 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। पहला उस समय जब यह भूमिगत संगठनों की जब स्थापना की गई थी तो पहला था पार्सी में, फिर यंग इटली में, दूसरा बर्न में, फिर जिसके सदस्य पोलैंड फ्रांस इटली जर्मन राज्यों के समान विचार थे, जिनको मतलब ये वही शामिल होते थे जिन राज्यों के विचार जो है एक समान होते थे और जो उस नियमों को पालन करने के लिए तैयार थे जिनके साथ ही एक ही समस्याएं एक साथ थी। इस तरह से हम देखेंगे कि एकीकृत गणतंत्र बनाना भी था, ये सब करने से क्या था एकीकृत गणतंत्र बनाना था, और जिसमें कि इसके मॉडल की देखा देखी कौन कौन और शामिल हो गए थे, जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड पोलैंड गुप्त संगठन थे कायम कर लिए थे। इस तरह से प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न के मैथ्सिक के रूढ़िवादी को हरा दिया था, और मेटरनिक ने उसे खतरनाक दुश्मन भी बना लिया था।